Hello and good morning everyone. I welcome you all at Uverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 14 September 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So hum yahan The Hindu and The Indian Express ke jo bhi important articles hain unhe discuss karne wale hain. To aaj ke important topics dekh lete hain jo hume cover karne hain. To pehla article hai hamara, center seeks to promote use of Hindi amicably, no provision for punishment. Jaisa ki aap sabhi ko pata, 14th of September is celebrated as a Hindi Divas. आज हम हिंदी दिवस के रूप में इसको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये कहा गया है कि जैसे कि हम बात करते हैं कि हिंदी लैंग्वेज का जो यूज होना चाहिए वो एमिकेबली होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर फ्रेंडली वे में होना चाहिए. अगर यहाँ पर कोई हिंदी लैंग्वेज का यूज नहीं करता है तो अभी हमारे पास ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि हम उसे पनिश करेंगे. नेक्स्ट आर्टिकल में वी विल टॉक अबाउट NHRC. कि NHRC की अगर हम बात करते हैं तो अब इसमें बहुत सारी जो पोस्ट हैं वो खाली हैं, मतलब वैकेंसी है, बट स्टिल उनको फुलफिल नहीं किया जा रहा है. तो इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे एज अ ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड आर्टिकल इज द शॉक ऑफ क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. यह हमारा द हिंदू का एडिटोरियल है जिसमें हम बात करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से यहाँ पे क्रम्बल हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है. है ना, जो जैसे कि हम बात करते हैं एयरपोर्ट्स बनाए जाते हैं, रोड बनाई जाती है, कुछ भी यहाँ पे नॉर्मल सी चीजें होती हैं, तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है. सो इसके पीछे का रीजन क्या है ये हम देखेंगे. नेक्स्ट वी विल डिस्कस WHO क्लियर्स बावेरियन शॉर्ट्स. तो यहाँ पर एमपॉक्स की हम बात करते हैं. एमपॉक्स क्या है, मंकी पॉक्स. तो ये आपका एक जूनोटिक डिसीज है. इसमें अभी WHO ने क्या किया, जो नॉर्डिक कंट्रीज है उसके लिए यहाँ पर बावरिन जो वैक्सीन है इसकी शॉर्ट्स को यहाँ पर क्लियरेंस प्रोवाइड की है. एंड लास्ट में हम इसके बारे में बात करेंगे, ये हमारा हिस्ट्री से आप इसे GS Paper 1 से कनेक्ट कर सकते हैं. अभी एक्चुअली क्या हुआ, जो आपका पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, इसका नाम चेंज किया जा रहा है. और किस नाम पर रखा जा रहा है, और जो पोर्ट ब्लेयर है इसका हिस्टोरिकल कनेक्शन चोला एम्पायर से कैसे है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे. ओके, सो ये है आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं. सो इस पूरे एनालिसिस की PDF आपको कहां मिलेगी, Eduverse IS. ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. और आप ऐसे भी सर्च करेंगे Eduverse IS तो आपको ये टेलीग्राम चैनल यहां पर मिल जाएगा, जहां पर आपको पूरे एनालिसिस की यहां पर PDF मिलेगी. ओके, सो आई होप आपको इतना क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. पहला आर्टिकल यहां पर देखते हैं, सेंटर सीक्स टू प्रमोट यूज ऑफ हिंदी एमिकेबल, नो प्रोविजन फॉर पनिशमेंट. ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर ये कहा, गवर्नमेंट हैज नॉट एक्सेप्टेड अ प्रपोजल मेड अ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज टू रिकॉर्ड एडवर्स रिमार्क इन एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्टेड ऑफ ऑफिशियल्स हु डू नॉट वर्क इन हिंदी. तो यहां पर देखिए ये कहा कि आपकी हम बात करते हैं, एक कमिटी है इस लैंग्वेज को लेकर, यहां पर एक कमिटी है, उस कमेटी का यहाँ पर ये प्रोविजन था, ये कहना था कि उनकी रिपोर्ट, बहुत सारी उन्होंने अब तक 12 रिपोर्ट सबमिट की गई है, उसमें सिर्फ 9 रिपोर्ट्स पर ही क्या किया है, प्रेसिडेंट ने डायरेक्टिव्स दिए हैं. ओके, तो पहले तो इसमें देखिए डायरेक्ट आपकी क्या आ रहे हैं, यहाँ पर फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं. इस छोटे से आर्टिकल में आपको बहुत सारे फैक्ट्स देखने को मिलेंगे. तो यहां पर अभी देखिए, द कमिटी वॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड, ये कमिटी कब फॉर्म हुई थी पहले हम इसके बारे में देखते हैं. कमिटी वॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963. हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 है, इसके सेक्शन 4 के तहत इस कमिटी को यहां पर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ये कमिटी लैंग्वेज के ऊपर. ठीक है, उसके बाद फिर 1976 में भी इसको फिर से कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है. इस कमिटी में आपके कितने मेंबर्स हैं, 30 मेंबर्स. ये सारा आपका यहां पर दिया हुआ है. देखिए इसमें आपके टोटल 30 मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, 20 जो मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, और 10 मेंबर्स इसमें राज्यसभा से होते हैं. इस कमिटी का पर्पस क्या है, इस कमिटी का पर्पस है टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन द यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस. तो हम यहां पर हिंदी में कितना प्रोग्रेस कर चुके हैं, कितना कर रहे हैं कि हिंदी को हम एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकें, एंड टू मेक रिकमेंडेशंस टू इंक्रीज द यूज ऑफ हिंदी इन इट्स ऑफिशियल कम्युनिकेशन. और यहां पर हम, ये जो कमिटी है इसका काम है कि ये रिकमेंडेशंस देती है कि हम हिंदी जो लैंग्वेज है इसका यूज किस तरीके से बढ़ा सकते हैं. आई होप आपको इतना यहां पर क्लियर होगा. तो अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं, अगर आप हिंदी दिवस की बात करते हैं, जैसे कि हम आज हिंदी दिवस को क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं,
ठीक है। तो हिंदी दिवस 14th of September को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे का भी एक रीजन है, उस रीजन को देखते हैं। सो हिंदी दिवस 2024 इज सेलिब्रेटेड ऑन सेप्टेम्बर 14 ईच ईयर। हिंदी दिवस 2024 इज डेडिकेटेड टू ऑनरिंग द प्रमोटिंग द हिंदी लैंग्वेज थ्रू आउट द इंडिया। हम हिंदी दिवस इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, जो हिंदी लैंग्वेज है पूरी पैन इंडिया में इसको क्या कर सके, प्रमोट कर सके और ऑनर प्रोवाइड कर सके। दिस ईयर्स ऑब्जर्वेशन, ये हमारा 75th एनिवर्सरी है हिंदी के एडॉप्शन की। वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1949। ओके, अब देखिए हिंदी को हमारी कंट्री की अगर हम बात करते हैं, इंडिया की क्या कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है? नहीं, इंडिया की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया में एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहां पर आपका जो बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है। लैंग्वेज को यहां पर हमने ऑफिशियल, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों नहीं बनाया, इसका मेन रीजन ये था कि इंडिया क्या है, आपकी एक डाइवर्स कंट्री है। इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। यहां पर आपको साउथ में अलग लैंग्वेज के लोग देखने वाले मिलेंगे जो अलग लैंग्वेज बोलते हैं, यहाँ पर ईस्ट में अलग, वेस्ट में अलग, नॉर्थ में अलग, सेंटर इंडिया में अलग, साउथ में अलग। तो ये एक डाइवर्स कंट्री है, हमारे पास बहुत बड़े डाइवर्स लेवल पर आपको डाइवर्स लैंग्वेजेस भी देखने को मिलेंगे। विद दैट यहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेजेस है ना, यहाँ पर जैसे कहते हैं ना घाट घाट में और हर दो कदम में क्या होता है, पानी और जो लैंग्वेज होता है वो चेंज होती जाती है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में ही जाके देखेंगे, सेंट्रल मध्य प्रदेश की बात करें आप, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में तो कितनी सारी ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल पीपल रहते हैं, तो हर एक ट्राइबल पीपल की यहाँ पे जो लैंग्वेज हो जाती है वो अलग हो जाती है। फिर उसके बाद जो लोग अलग तबके में रहते हैं, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, लैंग्वेज मतलब कि इंडिया की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर नहीं बनाई। सो द हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम कब ट्रेस कर सकते हैं, 14 सितंबर 1949 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया मेड अ लैंडमार्क डिसीजन टू अडॉप्ट हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री। तो यहां पर 14 सितंबर 1949 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया था, हिंदी को यहां पर एक ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब हमारे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री का एक ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर डिक्लेयर किया था कि यहाँ पर होगी। द डिसीजन एम टू फॉस्टर लिंग्विस्टिक यूनिटी इन अ डाइवर्स नेशन। इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारा जो नेशन है वो डाइवर्स है, तो ये जो हिंदी लैंग्वेज है वो क्या करेगा, एक यूनिटी प्रोवाइड करेगा विथ मैनी लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स। हिंदी दिवस हैज बीन सेलिब्रेटेड एनुअली सिंस 1953 से हम इसे हर साल क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑनरिंग एंड प्रमोटिंग द हिंदी लैंग्वेज एंड इट्स रोल इन इंडियाज कल्चरल एंड नेशनल आइडेंटिटी। आई होप दिस वन इज क्लियर। तो अभी देखिए ये जो कमिटी है, इस कमिटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी, ये कहा कि हिंदी का मतलब कि जो लोग हिंदी का यूज ना करें उनको पनिशमेंट देनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर रिपोर्ट आर डेलिबरेटली अपॉन एंड एनी ऑर्डर डज नॉट हैव द स्कोप टू हर्ट एनीवन। हमें यहाँ पर किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करना है कि आप हिंदी लैंग्वेज बोलिए, अगर आपकी कोई दूसरी लैंग्वेज है यू कैन स्पीक दैट, ओके। अगर आप घर में जैसे हम नॉर्मल यहाँ पर बातचीत करते हैं तो हिंदी लैंग्वेज का यूज करते हैं, और अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं वो तो इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं, ओके। बट हम किसी के ऊपर यहाँ पर किसी को हर्ट नहीं कर सकते हैं। द रिकमेंडेशन दैट आर एक्सेप्टेड शुड बी कॉन्सोनेंस विद कंपोजाइट कल्चर एंड कंट्री ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर हम अगर जिसको यूज करना है वो यूज करे, जिसको यूज नहीं करना है वो ना करे, ओके। तो ये यहाँ पर आया है, ओके। सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर हियर। तो देखिए इसमें कितने सारे आपके इस लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर कितने सारे फैक्ट्स आ गए। सो आपको इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से पढ़ना है और सारे ये नोट डाउन करना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज राइट्स ग्रुप क्लेम सेंटर ओवर डिले इन फिलिंग NHRC पोस्ट। NHRC क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करते हैं, इसमें अगर हम देखते हैं, हैड नॉट हैड फुल टाइम चेयरपर्सन सिंस जून एंड हैज ओनली वन मेंबर टू फिल 5 पोजीशन। इसमें टोटल आपके 5 मेंबर्स होते हैं और उन 5 में से ओनली वन पोजीशन ही है जो फुलफिल है और वो उन 5 मेंबर्स का काम कर रही है एक तरीके से। मतलब आपके 5 मेंबर्स होने चाहिए, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन है कितने, सिर्फ एक ही हैं जो कि इन 5 का एक तरीके से काम करें। और जून से यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि फुल टाइम यहाँ पर चेयरपर्सन भी नहीं है, ओके। सो इसमें इतनी सारी वैकेंसी, इतनी सारी पोस्ट है, बट सेंटर अभी क्या कर रहा है, इसमें डिले कर रहा है। आप लोगों ने यहाँ पर कुछ दिनों पहले अगर यहाँ पर न्यूज को कंटिन्यूसली इफ यू आर फॉलोइंग तो आपको पता होगा, यहाँ पर हमने एक बात किया था UN-linked ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन के बारे में,
है ना, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्या करता है, जितनी भी यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मतलब किस तरीके के ह्यूमन कमीशंस हैं, है ना, ह्यूमन राइट कमीशंस हैं, तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत सारे नेशंस में आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये जो आपकी बॉडी है, ये जो यूएन, लाइक हम जिसकी ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, ये क्या करता है, यहाँ पर एक्रीडेशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, एक्रीडेशन यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो अभी यहाँ पर डिफर किया था इसने कि हम एनएचआरसी को यहाँ पर, मतलब कि सेकेंड ईयर, मतलब कि दो साल से कंटिन्यूसली यहाँ पर डिफर कर रहे हैं कि हम एनएचआरसी को यहाँ पर एग्रीडेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है ना, और उसके साथ साथ यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमें बहुत ज्यादा दिखाई देता है। इसकी वजह से यहाँ पर ये अभी मना किया था, फर्दर देखते हैं इसमें क्या चीजें निकल कर आती हैं। सो डिले इन होल्डिंग फ्री एंड फेयर रिक्रूटमेंट इज अ सिम्बॉलिक ऑफ द एनएचआरसीज एंड इंडियन गवर्नमेंट्स क्लियर लैक ऑफ पॉलिटिकल विल टू एक्ट एंड अपेरेंट रिलेक्टेंस टू इफेक्टिवली रिस्पॉन्स टू एंड एड्रेस द डिटोरिंग ह्यूमन राइट्स वॉयलेशंस इन द कंट्री। और आप सभी ने देखा था कि कितना ज्यादा यहाँ पर ये मणिपुर के केस के बाद ही, मतलब ये आया था आपका आर्टिकल जिसमें यहाँ पर इसने डिफर किया था। तो जैसे मणिपुर में इतने सारे क्लैशेस हुए हैं, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उस टाइम पर ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो क्या कर रही थी, है ना, तो ये इसमें पूछा गया। तो हम बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की एज अ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसे आप जीएस पेपर 2 से यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। और देखिए, एक जो भी ये आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं न्यूज में, देखिए इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, हम सबको ये क्या रटते बैठेंगे, नहीं, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो न्यूज में आते हैं उन पर ज्यादा फोकस करना है, है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे न्यूज में है, लाइक हम बात करते हैं एससीओ की, आशियान की, है ना, आपका क्वाड हो गया, इंडियन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो जो ही आपकी न्यूज में है उन पर हमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, उनको डीपली हमें स्टडी करनी है। और जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे, मतलब कि बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं है, है ना, तो उनको हमें सिर्फ ऊपर ऊपर भी पढ़ लेंगे तो हमारे लिए काम चल जाएगा। सो द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये आपकी एक इंडिपेंडेंट स्टैचुरी बॉडीज है, एस्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, कि हमें क्या करना है, इंडिया में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और प्रमोट करना है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग एंड एड्रेसिंग ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन। अगर ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन होता है तो उस चीज को रिव्यू करना, एड्रेस करने का काम किसका होता है, एनएचआरसी का होता है। और हम किस तरीके से ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, ये कब एस्टैब्लिश होता है आपका, इट वाज एस्टैब्लिश अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। इस एक्ट के तहत क्या होता है, आपका एनएचआरसी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। इट इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ इंडियाज कंसर्न फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। ओके, ये इसकी कन्फर्मिटी आपको कैसे मिलती है, इट इज एस्टैब्लिश इन द कन्फर्मिटी विद द पेरिस प्रिंसिपल्स। 1991 में जो पेरिस प्रिंसिपल थे, सो एडॉप्टेड एट द फर्स्ट इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब इसकी बात करते हैं, ये मेंबर से आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और इसमें एक्चुअली इसमें देखिए आप, ऐसा क्या है, जो ये एनएचआरसी है इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और आपके 7 डीम्ड मेंबर होते हैं। ठीक है, 5 फुल टाइम मेंबर, एक चेयरपर्सन और यहां पर 7 आपके डीम मेंबर्स होते हैं। अब देखिए यहां पर क्वालिफिकेशन, देखिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है, चेयरमैन कौन होने चाहिए, अ पर्सन हु हैज बीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। ऐसा कोई पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे कि अभी हम बात करते हैं हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़ जी, तो वो क्या बन सकते हैं, यहाँ पर एनएचआरसी के चेयरपर्सन यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये हो गया आपके चेयरपर्सन की क्वालिफिकेशन। अब हम 5 मेंबर्स की बात करते हैं, तो इस 5 मेंबर्स में आप देखेंगे, देखिए 5 है तो जो 3 मेंबर्स होंगे और द 3 मेंबर एटलीस्ट 1 विल बी वुमेन, इन 3 में से एक वुमेन होनी चाहिए। और जो 2 मेंबर्स है, 1 मेंबर हु इज हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट के जज, देखिए ये तो यहाँ पर चेयरपर्सन में है ये, या दूसरी तरफ, और एक हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहे हो, है ना, और जज रहे हो। 3 मेंबर्स विल बी अपॉइंटेड फ्रॉम द अमंग द पर्सन हैविंग नॉलेज, तो यहाँ पर जो 3 अदर पर्सन होंगे उनके पास ह्यूमन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, ह्यूमन राइट रिलेटेड यहाँ पर जितने भी मैटर्स हो, अच्छा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो उन मेंबर्स को यहाँ पर 3 मेंबर्स ऐसे अपॉइंट किए जाते हैं, उसमें से आपका एक कौन होना चाहिए, वुमन होना चाहिए। 7 डीम्ड पर्सन की बात करते हैं, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से आपके बहुत सारे जो
कमीशन है वो लिंक है, लाइक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, चाइल्ड चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो इनके यहाँ पर जो चेयरपर्सन है वो भी डीम्ड पर्सन मेंबर होते हैं NHRC के। आई होप इतना आपको क्लियर है। रिमूवल टर्म्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तीन चीजें हैं, इनका 3 years और 70 years। अगर आपका 3 साल हो गया ऑफिस में और आप 70 years के नहीं हुए तो भी आपका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, या फिर आपने 17 years को अटेंड कर लिया, तो जो भी पहले होगा वो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है। फंक्शंस की जैसे हमने बात करी ली कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, है ना, तो इन सारी चीजों को काम किसका होता है, आपका NHRC का है। फिर हम इसकी भी बात कर लेते हैं, ग्लोबल एजेंसी एफिलिएटेड टू यूएन राइट्स बॉडी डिफर NHRC एग्रीडेशन से यहाँ पर डिफर किया था, है ना। तो ये जो GN नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन है, ये आपकी रिकॉग्नाइज और ट्रस्टेड पार्टनर है यूनाइटेड नेशन का। ये आपका 1993 में इसको स्टैब्लिश किया जाता है एज द इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कि हमें क्या करना है, ह्यूमन राइट्स का प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है। इसमें 120 मेंबर्स हैं। इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस। इसका जो सेक्रेटरीट है वो आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर आपका हो गया। तो देखिए, इंडिया NHRC गॉट ए स्टेटस, लेकिन अभी यहाँ पर फर्स्ट टाइम इन 1999, इट रिटेन्ड इन 2006, 11 एंड 17। लेकिन अब यहाँ पर जो ये है, ये कह रहे हैं कि आपको ए स्टेटस यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, है ना, क्योंकि आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है इस कमीशन में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिला, इसकी वजह से यहाँ पर डिफर किया था। आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज द शॉक ऑफ क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सॉल्यूशन। ओके, ये आर्टिकल आप देखेंगे काफी अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। अगर इसको हम देखते हैं, आप इसे GS पेपर 3 से भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, और जहाँ GS पेपर 1 में जो आपका GS पेपर 3 और GS पेपर 2 से यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है जहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, सिर्फ ऐसी एक रिपोर्ट नहीं, आप इंडिया के हर स्टेट्स में देखेंगे, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात है, केरल है, कहीं पर भी देखेंगे। रिपोर्ट ऑन द कोलैप्स ऑफ सीरीज ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिजेस इन बिहार हैव हाईलाइटेड द इशू ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। यहां पर इंडिया में जैसे हम ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करते हैं, है ना, आपका ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन होता है, रेलवे ट्रैक्स का होता है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, लाइक ब्रिजेस की स्पेशली बात करते हैं, इनका यहाँ पर जो ये कोलैप्स होता है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि क्यों तोड़ रहा है। रोड हम देखते हैं कि रोड यहाँ पर बनाई गई और कुछ दिनों बाद अगर बारिश हो रही है, आपने देखा, तो उसमें गड्ढे हो जाते हैं, पडल्स बन जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, आपकी जो रोड होती है पूरी गड्ढे गड्ढे वाली होती है, है ना, जिसकी वजह से आपको इतने सारे एक्सीडेंट्स को फेस करना पड़ता है। तो इसका मेन रीजन क्या है, मेन इशू क्या आ जाता है यहाँ पर, इशू ऑफ क्वालिटी, ये आपका सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है, कंसर्न है, ठीक है। तो हमें इसमें देखा होगा कि इंडिया में बात करते इतने सारे मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे हमें इंसिडेंट्स दिखाई देते हैं जहां पर जो ब्रिजेस हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, ठीक है, पहला ये हो गया। फिर हम देखते हैं चैलेंजेस की बात करते हैं, तो इसका मेन रीजन क्या है, इसमें आप दो चीजें आप कर सकते हैं कि फर्दर द गवर्नमेंट इंक्रीज द कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेशन टू 11.11 लाख करोड़ रुपीज, मतलब हमारी GDP का 3.4% जो है हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब इन सारी चीजों में लगाते हैं, है ना, इन बजट इंडिकेटेड द गवर्नमेंट कमिटमेंट टूवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये क्या शो कर रहा है कि गवर्नमेंट यहाँ पर पूरी तरीके से अपने आप को डेडिकेट करना चाहती है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, मतलब कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम ये आती है, सबसे पहले तो जो होता है सबसे ज्यादा डिले होता है, जितने भी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे, यहाँ पर आउट ऑफ 779 प्रोजेक्ट्स डिलेड, 36% वर रनिंग बिहाइंड स्केड्यूल। यहाँ पर आधे प्रोजेक्ट तो जो टाइम पीरियड दिया गया है उससे यहाँ पर बहुत ही पीछे चल रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर किसी में 1 महीना छूट रहा है, किसी में 2 महीने छूट रहा है, किसी में 12 महीने पीछे है, है ना, कोई 1 साल से पीछे है, कोई 2 साल से पीछे है। तो इस तरीके के यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, डिले। पहला इसमें क्या बताया, डिले। डिले होने से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी प्रोजेक्ट को 2014 में स्टार्ट किया, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर अपना घर बनाना स्टार्ट किया 2014 में, अपने घर से एग्जाम्पल लेते हैं, आप छोटा एग्जाम्पल लीजिए, आपने 2014 से घर बनाना स्टार्ट किया, अब 2014 में जो चीजें थी वो अलग थी,
आज हम 2024 में 10 साल हो चुके हैं, तो हम 2014 की बात करते हैं, तो वहां पर सीमेंट का प्राइस अलग होगा, आपका जो सैंड है उसका प्राइस अलग होगा, आयरन का प्राइस यहाँ पर अलग होगा, जो आपका वेजेस वगैरह है, ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो पूरा जो प्राइस होगा, अगर 100 रुपए भी कमी आ रही है तो बहुत ज्यादा कम है। अब हम 2024 में आ गए, 14 से हम 24 में आ गए, तो प्राइस जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, महंगाई तो बढ़ ही रही है, चीजों के जो रेट होते हैं वो भी चेंज होते हैं, तो इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये डिले हो जाता है, तो कॉस्ट बर्डन आपका इंक्रीज होता है डिले होने से। दूसरी चीज हम बात करते हैं, जब डिले होता है तो फिर जब आपके पास, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 करोड़ रुपीस में क्या किया हो, आपने ये प्रोजेक्ट लिया हो, लेकिन आपको डिले हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, प्राइस यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उसे 100 करोड़ रुपीज में ही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कम्प्लीट करना है ना, तो आप क्या करेंगे, अब क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा, अब किसके साथ कॉम्प्रोमाइज होगा, आपका क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा, क्योंकि कैसे भी करके यहाँ पर क्या हो, आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए एनी हाउ, तो ये हो गया। तीसरी चीज में ये कही जा रही है कि करप्शन इज अ बिग थिंग हियर, कि यहाँ पर इसकी वजह से हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो हर साल हम यहाँ पर रोड बनाते हैं, बारिश होती है, रोड यहाँ पर फिर से उसमें गड्ढे हो जाते हैं, हम उसमें फिलिंग करते जाते हैं, और ये हमारा ऐसे चलता जाता है। सो एनी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी इन इंडिया रिक्वायर मल्टीपल क्लियरेंस। इंडिया में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी होती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, उसमें बहुत सारे हमें क्लियरेंस की जरूरत होती है। The implementation status of the most of the projects points to gap in project management practices, especially in urban infrastructure projects, including the lack of comprehensive planning. तो हमारे पास यहाँ पर planning नहीं होती, हमें किस तरीके से urban local bodies को manage करना है ये हमारे पास नहीं होता है, and lack of capacity of local self-government institution. तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर problem आ जाता है कि हम project को क्या करते हैं, manage नहीं कर पाते। Traditional practice need an overhaul, जो हमारी traditional practices है manage करने की, है ना, अब इसमें हमें change करने की जरूरत है। तो देखिए, अंडर पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान हैज बीन लॉन्च। नेशनल जो पीएम गति शक्ति है उसके अंदर हमने क्या किया, नेशनल मास्टर प्लान उसको लॉन्च किया है, जिसमें हमने जो गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट इसके अंदर काम कर रहे हैं, एंड ऑल दी बिग स्टेक होल्डर्स टू वर्क ऑन अ इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म। कि आपको एक इंटीग्रेटेड, एक आपका प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको मिलकर काम करना होगा। इससे क्या होगा कि टारगेट्स की जो डेडलाइन प्रपोज की गई है, तो उसमें यहाँ पर एक बेंचमार्क सेट कर दिया गया है कि आपको इस टारगेट से, मतलब ये जो डेडलाइन है, तब तक आपको ये जो आपका काम है वो आपको खत्म करना है। इसके तहत यहाँ पे जीआई बेस्ड ईआरपी पोर्टल भी यहाँ पर आपका किया गया, जिससे कि हम जो काम है उसकी रियल टाइम प्रोग्रेस को मॉनिटर यहाँ पर कर सके। दिस विल प्रोवाइड नॉट ओनली विजुअल डिपिक्शन ऑफ नेशनल मास्टर प्लान, इससे यहाँ पर हमें एक विजुअल डिपिक्शन भी मिलेगा, इंटीग्रेटेड थ्रू एप्लीकेबल प्रोग्रामिंग इंटरफेस, रियल टाइम प्रोग्रेस भी हमें हर एक डिपार्टमेंट का मिलता जाएगा। ये जो चैलेंजेस, इसमें कहा जा रहा है कि हम एक प्रोग्राम मैनेजमेंट अप्रोच लेकर आ सकते हैं, जिसके तहत यहाँ पर जो भी हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, दिस अप्रोच वॉज अडॉप्टेड इन द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बिगनिंग विद द शेंद्रा बिंडकिन इन औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो यहाँ पर हम इस तरीके की मैनेजमेंट लेकर आ सकते हैं, हम एक एजेंसी को सेटअप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक एजेंसी को सेटअप किया जा सकता है, जो कि कंडक्ट प्रोफेशनल कोर्सेज इन प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट, क्या हमें किस तरीके से यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हमारे मैनेजमेंट है उसको हम कंडक्ट कर सकते हैं, उस पर क्लियरेंस जो प्रोवाइड करता है, तो ये सारी चीजों को यहाँ पर देखा जा सकता है। अब गवर्नमेंट, ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल में, ये लास्ट पैरा आप पढ़िए, आपको कितना समझ में आएगा इसमें, देखिए, द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड अ सब्सटेंशियल बजट ऑफ टैक्स पेयर मनी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो हम कहते हैं ना, जब हम रोड में चलते हैं, कुछ भी हो जाता है कि अरे ये तो हमारी रोड है, क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि हम यहाँ पे टैक्स देते हैं और वहीं से आपका गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है, और वहीं से आप क्या करते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करते हैं। सो एज इंडिया मूव अहेड टू बिकम अ ग्लोबल पावर हाउस, इट इज क्रूशियल टू प्रिवेंट टाइम एंड कॉस्ट ओवररन एज वेल एज द प्री रिपीटेड फेलियर ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो जैसे इंडिया एक ग्लोबल पावर हाउस की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो हमें यहाँ पर ये जो आपका फेलियर है और जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलता है, इससे हमें बाहर आना होगा। इम्प्लीमेंटिंग अ रोबस्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट, हमें यहाँ पर अच्छा एक प्रोग्राम मैनेजमेंट सिस्टम लेकर आना होगा, जिससे कि हमारा जो गोल है उसको हम अचीव कर सके और हम यहाँ पर एक इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर सके। आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज केजरीवाल इज फ्री आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ग्रांट बेल, जजेस पुट सीबीआई इन द डॉक। ओके, तो यहाँ पर कल आप सभी ने न्यूज में देखा ही होगा, पूरे न्यूज में सिर्फ यही चल रहा था। इवन द इंडियन एक्सप्रेस का आप न्यूज पेपर उठा के देखेंगे ना, तो हाफ ऑफ दी जो स्टार्टिंग के कुछ पेजेस हैं, 4-5 पेजेस, उसमें सिर्फ यही दिया हुआ है इनकी बेल हो गई है, तो उसके बारे में यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो अभी यहाँ पर बेल हुई है, लेकिन अभी सिर्फ ये बेल पर है,
है ना। और यहाँ पर भी ही इज नॉट एबल टू विजिट हिज ऑफिस एज अ चीफ मिनिस्टर। यहाँ पर ये डेली सेक्रेटरी और जो भी यहाँ पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं एज अ चीफ मिनिस्टर ये साइन नहीं कर सकते हैं। तो अभी ये कुछ कोर्ट के द्वारा यहाँ पर तीन इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। अब फर्दर देखते हैं इसमें क्या चीजें आती हैं। तो आप सभी को पता है कि ईडी ने इनको क्या किया था, अरेस्ट किया था। अभी यहाँ पर सारी चीजें हैं। ओके नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, ये आर्टिकल आप इसे जीएस पेपर वन से कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप हिस्ट्री का आर्टिकल है। अभी यहाँ पर जो पोर्ट ब्लेयर है, पहले इसकी आप लोकेशन देखिए, हमारा ये प्यारा भारत, यहाँ पर आप देखेंगे आपको क्या दिखेगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड में आप यहाँ पर जाएंगे, ये आपका जो अंडमान आइलैंड है यहाँ पर आपको दिखेगा, ये है आपका पोर्ट ब्लेयर। अब इसके बारे में हम बात करें, ये कहा जा रहा है पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम देखिए थोड़ा सा आपको कैसा लग रहा है, क्या ये इंडियन नाम है? नहीं, ये आपका ब्रिटिशर्स नेम है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे पोर्ट ब्लेयर विल बी रीनेम्ड एज श्री विजया। अब इसको ये कहा जा रहा है कि पोर्ट ब्लेयर को हम श्री विजया के नाम से इसको रीनेम किया जाएगा, श्री विजया। ठीक है, इसे यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अभी क्या किया है, आपकी जो ट्विटर है उसमें अनाउंस किया, एक्स पर यहाँ पर अनाउंस किया। श्री विजया क्या है आपका, श्री विजया की बात करते हैं, इसकी भी लोकेशन देखिए, हिस्ट्री में आप जाएंगे चोला एम्पायर, ये था आपका चोला एम्पायर। ठीक है, जो ये पोर्ट ब्लेयर इसमें कहा जाता है कि चोला एम्पायर का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ये आपका श्री विजयनगर एम्पायर है। आप यहां से देखेंगे ये इंडोनेशिया आ जाता है, इंडोनेशिया के साइड में आपका यहाँ पर श्री विजया एम्पायर था। ठीक है, अब इस आर्टिकल में हर एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। सो द नेम श्री विजया पूरम सिंबलाइजेस द यूनिक रोल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। यहां पर सो द वंस ये जो टेरिटरी थी आपकी, ये पोर्ट ब्लेयर की हम बात कर रहे हैं, पोर्ट ब्लेयर ने यहां पर सर्व किया था नेवल बेस की तरह इन चोला एम्पायर। चोला एम्पायर ने पोर्ट ब्लेयर को अपना क्या बनाया हुआ था, नेवल बेस यहां पर बनाया हुआ था। अब हम बात करते हैं किसकी, डिस्कवरी ऑफ पोर्ट ब्लेयर की, यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर की डिस्कवरी कैसे होती है। तो द कैपिटल सिटी एंड पोर्ट ऑफ द एंट्री इन टू द यूनियन टेरिटरी इज आर नेम्ड आफ्टर आर्किब्लेड ब्लेयर। तो यहाँ पर आर्किब्लेड ब्लेयर जो होते हैं उनके नाम पर इसका नाम रखा जाता है पोर्ट ब्लेयर। ये एक नेवल सर्वेवर थे बॉम्बे मरीन के, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर सर्वे करते करते गए थे, तो इनको यहाँ पर ये जो आइलैंड होता है यहाँ पर मिलता है। सो ब्लेयर हु ज्वाइंड द ईस्ट इंडिया कंपनीज नेवी इन 1771। तो यहाँ पर ये जो ब्लेयर साहब थे उन्होंने क्या किया था 1771 में ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेवी था उसको यहाँ पर ज्वाइन किया था और उन्होंने पूरा यहाँ पर सर्वे किया था। उन्होंने इवन यहाँ पर जो इंडिया, ईरान और अरेबिया के भी कोस्ट है उस पर यहाँ पर पूरा सर्वे किया था। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हुई। फिर इन दिसंबर 1778 में ब्लेयर ने क्या किया था, अंडमान को यहाँ पर पूरा सर्वे किया और फिर यहाँ पर वो कहाँ आ गए थे, कोलकाता आ गए थे। ओके, फिर द एलिजाबेथ एंड द वाइपर द एक्सपेडिशन विच लास्टेड अप्रैल 1779 टुक हिम टू द नेशनल हार्बर ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द आइलैंड विच इज नेम पोर्ट कार्निवाल आफ्टर कॉमरेड विलियम कॉर्निवालिस। तो यहाँ पर फिर आपका पोर्ट कार्निवालिस भी आ जाता है ना, पोर्ट कार्निवालिस जो यहाँ पर किसके, विलियम कॉर्निवालिस के नाम पर यहाँ पर रखा जाता है। फिर ब्लेयर वॉज इमीडिएटली अवेयर ऑफ दिस सिग्निफिकेंस ऑफ हिज डिस्कवरी। लेकिन ये पोर्ट ब्लेयर को अपनी जिन्होंने ये डिस्कवरी की थी ना, इसके इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पर समझ में आता है और ये इसके बारे में अपने सर्वे में की जो रिपोर्ट होती है इसके बारे में यहाँ पर पूरा लिखते हैं। फिर वो इंग्लैंड में से वापस आते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर चलती रहती हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पर आर्किब्लेड ब्लेयर के नाम पर इसको यहाँ पर रखा गया था। अब हम ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, 1906 में ब्रिटिशर्स ने इसको क्या किया था, यहाँ पे एक बहुत बड़ी जेल बनाई थी जिसे आप सभी को याद होगा, जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे इनको काला पानी की जो सजा होती थी, तो मतलब इनको यहीं पर भेजा जाता था, है ना। जिनको यहाँ पर आप लोगों को याद होगा काला पानी की सजा यहाँ पर किसको ही थी, विनय दामोदर सावरकर, ये देखिए डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, विनय दामोदर सावरकर जी को यहाँ पर जो काला पानी की सजा हुई थी तो वो यहीं पर भेजा गया था। अब हम चोलास की बात करते हैं और श्री विजय की बात करते हैं, तो सम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ने यहाँ पर ये सजेस्ट किया है कि अंडमान आइलैंड वर यूज एज अ स्ट्रेटेजिक नेवल बेस बाय द 11th सेंचुरी चोला एम्पायर। तो राजेंद्र वन, ये जो चोला एम्पायर के रूलर थे राजेंद्र वन, इन्होंने क्या किया था यहाँ पर जो श्री विजयनगर एम्पायर पर अटैक किया था, तो जब उन्होंने अटैक किया तो इसको एक बहुत बड़ा अपना नेवल बेस यहाँ पर बनाकर रखा था। आज जो ये श्री विजयनगर एम्पायर है वो इंडोनेशिया का यहाँ पर देखिए कुछ पार्ट यहाँ पर आ जाता है, श्री विजय एम्पायर, सॉरी नॉट नगर। इसका जो इंस्क्रिप्शन है हमें कहाँ मिलता है, तांजावुर
तांजावुर जो है वहां पर हमको इसका इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, जहां पर उन्होंने पूरा यहाँ पर सजेस्ट किया है आइलैंड एज अ, इस आइलैंड को उन्होंने क्या सजेस्ट किया है, मा नक्कवरम ग्रेट ओपन और नेकेड आइलैंड इसको बताया जाता है, विच पॉसिबली लेड टू द मॉडर्न नेम ऑफ द निकोबार अंडर द ब्रिटिश। ओके, सो यहाँ पर एक बुक भी आती है आपकी, इस बुक का नाम आप याद रख सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर न्यूज़पेपर में आया है तो यहीं से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, सो द को एडिटेड बुक नागापट्टिनम टू सुवर्ण विदा रिफ्लेक्शन ऑफ द चोला नेवल एक्सपेडिशन टू साउथ एशिया 2010 की ये बुक है, जिसमें उन्होंने बताया कि चोला ने किस तरीके से श्री विजय में यहाँ पर इन्वेजन किया था। एक ये हमारा यूनिक इवेंट था हमारी हिस्ट्री में, अदरवाइज पीसफुल रिलेशन विद स्टेट्स ऑफ साउथ एशिया विच हैड कम अंडर इंडियाज स्ट्रॉन्ग कल्चरल इन्फ्लुएंस फॉर अबाउट अ मिलेनियम। तो यहाँ पर चोला एम्पायर ने क्या किया था, पूरा अपना एक्सपेंडिचर किया था कहाँ, श्री विजय एम्पायर में पूरा, तो ये बताया गया। सो एज पर इंस्क्रिप्शन में जो इंस्क्रिप्शनल में रिकॉर्ड मिलता है, तो अटैकिंग श्री विजय राजेंद्र वन कैप्चर्ड किंग संगरमा, उन्होंने किंग को यहाँ पर कैप्चर किया था और यहाँ पर बहुत सारी लूटपाट भी मनाई जाती, मतलब की जाती है आपकी श्री विजय की। ओके, सो ये था आपकी हिस्ट्री का, आई होप आपको यहाँ पर ये सारा पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट में, WHO क्लियर्स बेवेरिन नॉर्डिक शॉर्ट फॉर एम्पॉक्स। तो यहाँ पर जो आपका मंकी पॉक्स है, तो अभी यहाँ पर बेवेरियन जो नॉर्डिक वैक्सीन है इसको यहाँ पर एम्पॉक्स के लिए, इसका जो फर्स्ट शॉट है इसके लिए यहाँ पर WHO ने क्लियरेंस प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, इसमें सिर्फ अभी आपको इतना ही, ऑलरेडी हमने एम्पॉक्स को कई बार डिस्कस किया हुआ है। सो आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।